सर, इस क्षेत्र से सांसद कैलाश चौधरी को कृषि मंत्री बनाया गया और यहाँ पर किसानों को काफ़ी समस्या रहती है, तो क्या उम्मीद करती है यहाँ की जनता? मैंने पूरा केंद्र सरकार और यहाँ के सांसद और राजस्थान के तमाम मंत्रियों को शुभकामनाएं दी और मेरी उनसे अपेक्षा है कि मिलकर अपन लोग राजस्थान के समस्याओं के संदर्भ में अपन एक अच्छी दिशा के अंदर कार्य करें और इनका हक दिलाएं और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। किस प्रकार की समस्या सामने आ रही है? बाड़मेर की जनसुनवाई पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी कई समस्या आई हैं और सार्वजनिक समस्या भी आई। कई समस्या है, जैसे पेयजल के संदर्भ में बड़ी समस्या, अकाल का समय है, पशु चारे के संदर्भ में है, बीमा जो नहीं मिला है उसके संदर्भ में है। उन समस्याओं के संदर्भ के अंदर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है राज्य सरकार के स्तर के ऊपर वो करी जाती है। सर, यहाँ अकाल की स्थिति बन चुकी है, चारे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था पशुओं के लिए भी है, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार और क्या काम कर रही है? अकाल के संदर्भ में मैंने पहले भी बात करी थी कि NDRF के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो बदलाव किया है उसमें गायों का और राजस्थान और बाड़मेर जिला जैसलमेर जिला विशेष तौर के ऊपर उनके साथ अन्याय हुआ। सर, कॉलोनी NDRF के माध्यम से जो तब्दीली करी है नियमों में, उसमें सिर्फ लघु और सीमांत किसानों को, कांग्रेस की सरकार के अंदर तमाम किसानों के लिए ये व्यवस्था थी, उसमें कटौती कर तो ये बात मैंने आगे भी पहुंचाई है और मैं आशा करता हूं कि नई सरकार के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि है ये फैसला करवाएंगे। सर, सिंदरी चौरा से इस तरफ का जो काम नहीं हुआ अभी आज, वो जनप्रतिनिधि मंडल भी मेरे से मिला है, मैं अध्ययन करवा रहा हूँ और उनको न्याय दिलवाएंगे।